हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने स्टार्ट किया था वॉटर कलर पोर्ट्रेट हाइपर रियलिस्टिक सा, जो कि मैंने बोला था कि मैं कल कंटिन्यू करूँगा और इसको कंप्लीट करेंगे। तो हाँ, चलो अभी स्टार्ट करते हैं और शाम के टाइम पे अपने फैमिली के साथ में कुछ ड्राइंग चैलेंज करेंगे उस दिन की तरह कुछ। फिलहाल तो इसको कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो गाइज, अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, बाहर होने लग रखी है बहुत तेज़ वाली बारिश। तो अब मुझे शायद वीडियो कैंसिल करनी पड़ेगी फैमिली के साथ में, बिकॉज हम छत में बनाते हैं सबके सब। तो अगर बारिश होगी तो फिर किस तरह से बना पाएंगे। बट चलो, जो भी है, वैसे बैकअप प्लान तो है मेरे पास, अगर वो नहीं बनी तो कुछ और वीडियो बना लेंगे। सो गाइज, अभी फाइनली बारिश रुकी है तो चलो जल्दी छत में चलते हैं। अभी 1-1.5 घंटा बाकी है अंधेरा होने में। अगर मैं कुछ बना पाता हूँ फैमिली के साथ में वीडियो, तो चलो छत में चलते हैं और मटेरियल्स भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी, पेंसिल्स वगैरह। अभी भी गाइज हल्की हल्की बूंद आ रही हैं, तो हम वेट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से रुक जाने का, तभी हम बनाएंगे। बिकॉज पेपर गीला हो जाएगा, पेंसिल ख़राब हो जाएंगी सारी हमारी, तो हम पेंसिल से बनाने की सोच रहे हैं। सभी एक तरह की ड्राइंग बनाएंगे। तो गाइज, अभी का सीन ये है, अभी हमने सोचा है एक रियलिस्टिक आई बनाने की, जो कि सबके सब बनाएंगे। और पहले मैं इनको बताऊंगा किस तरह से, कौन कौन सी ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके लाइट और डार्क करना है, कहाँ पे किस तरह से बनाना है। पहले मैं एक बना के दिखाऊंगा अच्छे से, उसके बाद सबके सब बनाएंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कैसे बनाता है। तो चलो, मैं पहले एक बार इनको बना के दिखाता हूं। जो खुरदरा सा है ना, वो वाला यूज़ करना है, उसमें शेडिंग अच्छे से। आउटलाइनिंग अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं कर दूंगा। सबसे पहले तो इस तरह से बना लेना, ठीक है? उसके बाद आप यूज़ कर लेना डार्क पेंसिल जैसी। तो इसी को रेफरेंस यूज कर लेना सबके सब। इसको हर एक दौर बनाते हैं। हाँ, इसको देख के बाकी मैं हेल्प करता रहूंगा, इट विल बी फन। ये लो, ये आप पकड़ो, ये मम्मी जी को दे दो। सो गाइस, जल्दी जल्दी 5 मिनट में मैंने इनको आई बना के दिखा दी है। तो अब सबके सब बना रहे हैं, तो किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, आउटलाइंस वगैरह की, शेडिंग वगैरह की, लाइट डार्क कहाँ पे करना है सब कुछ, और फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो देखते हैं। अम्मा जी लो, आप, आपकी हेल्प मैं कराऊंगा। मम्मी आपने मछली बना दिया ये। रुको मैं करवाता हूँ। ओहो, पापा जी आप सही कर रहे हो। पापा को नहीं, सब रबड़ दे दो। अरे रबड़ की क्या जरूरत है, मेरे को दिखा। नहीं, नहीं, अरे ऐसे ही बनाएंगे, रुक जाते। ड्राइंग बनाएंगे। रुको मम्मी जी, आपको भी मैं ठीक करता हूँ। रुको देखिए बीच वाले। अरे मैं कर देता हूँ, रुको। दूसरा दूसरा ले लो आप, इसको छोड़ो इस तरह से। इसके बीच में जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था और ये बताया था, इसको छोड़ देना, इसको डार्क कर देना, ठीक है? बाकी आपने बताया, देखा था मैंने किस तरह से बनाया था। अब आप पहले इस वाले पार्ट को डार्क कर लो 8B पेंसिल से, इसको डार्क कर लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा। तो पापा जी भी कर रहे हैं, दे मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, फिर गलत करेगा। दे मैं करता हूँ तेरा भी। इस वाले पार्ट को डार्क कर लियो, देख, इसको छोड़ दियो, इसको भी डार्क कर लियो, आईलेसिस लास्ट में बनाइयो, ठीक है? इसको डार्क कर ले पहले। बार बार को बना दो, अंदर का मैं खुद बनाऊंगा। बोला अम्मा, इसको देख के आप ऐसा यहाँ बनाओगे? ठीक हो रहा है क्या? हाँ ठीक हो रहा है। हाँ, इसको शेडिंग करो, थोड़ा बड़ी है ना। पापा जी ने किसी की हेल्प नहीं लिया। ले 6B इससे करके देख। मैंने बोला था, मैंने तेरे को बना के दी थी आउटलाइन, खराब कर दी। इसको गोला कर यार, क्या कर दिया ये।
इसको मैंने बोला आपको कि बिल्कुल डार्क कर दो। देखो गाइस मेरा कंप्लीटेड, थोड़ा और डार्क करो, ये आपने ये छोटा कर दिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कितना रह गया है। नहीं परफेक्ट तो बिल्कुल ये है भी नहीं है, यहाँ से गलतियाँ हैं इसमें, यहाँ से हाईलाइट्स में गलतियाँ हैं, लेकिन जो आपने बनाया था उसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है। हाँ। आपका ये थोड़ा छोटा हो गया है ना, इसको बड़ा कर। सही साहिल ने सही बनाया। देखो इसको इस तरह से ऊपर की साइड करो बस। तो अम्मा ने ये बनाया, अम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया। नहीं तूने ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, ये तो अच्छी बनी है, फिर ये तो नहीं बना सही। दिखा हाईलाइट तो अच्छी नहीं बनी। देख इसमें इस तरह से होता है, आईलेसेस इस तरह से ऊपर की साइड नहीं जाते, ये हिल रहे हैं ना। तो गाइस ये ड्राइंग बनाई है मम्मी जी ने, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी। ये है पापा जी की, और ये मैंने जब बना के दिखाया था जल्दी जल्दी 5 मिनट में, और साहिल ने भी काफ़ी सही बनाया देखो, और पीयूष कहाँ गई, कहाँ गई, दिखा दो सही एक बार बस। अरे कोई बात नहीं, आज तो गाइस सही प्रैक्टिस होगी मेरी, सबको मैंने बना के दिखा रहा हूँ, और वर्कशॉप की तरह लग रहा है, जैसे मैंने वर्कशॉप की थी ना, वर्कशॉप में इसी तरह से एक एक को बताना पड़ता है अच्छे से, तो हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाइस ये हैं सभी आईज जो कि आज हमने बनाई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके। ये वाली एक्चुअल में पीयूष ने बनाई है, बट अम्मा के हाथ में दे दी हमने। ये मम्मी जी ने बनाई है, ये पापा जी ने, और ये मैंने जब डेमो दिया था बट इसने हाथ में पकड़ लिया है, और ये साहिल ने। तो कमेंट करके बताना कौन सी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कैसा लगा आप सबको। अच्छा बहुत अच्छा। तो कह दो वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ अब ऐसे की कुछ बोलो तो सही, ऐसे क्यों बैठे हो। हाँ इसी तरह से गाइज आप भी बना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी इस तरह से, काफी मजा आप लोगों को, काफी मजा आता है, काफी टाइम पास भी और मजा भी आता है, और घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलो। आज देखो गाइज हमारी पूरी फैमिली आर्ट्स बन चुकी है, जोशी फैमिली आर्ट्स, इस चैनल का नाम जोशी फैमिली आर्ट्स रख देता हूँ। सौरभ जोशी आर्ट्स, साहिल जोशी आर्ट्स, पीयूष जोशी आर्ट्स, मिस हेमा जोशी आर्ट्स, मिस्टर हरिंदर जोशी आर्ट्स, और मिसिस गोविंदी जोशी आर्ट्स, सभी जोशी आर्ट्स, सभी जोशी आर्ट्स। तो गाइज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ड्राइंग बना चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, और आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो अब मैं सारा सामान समेटता हूँ और नीचे मिलता हूँ आपसे। सो गाइज नवरात्रे चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है नवरात्रों का, और हमने जोत भी जलाई है घर में ही, हम घर में ही जलाते हैं, और अभी पूजा की है। तो अभी किचन में खाना बन रहा है, मम्मी लोग खाना बना रहे हैं, और उसके बाद मैं अपना वर्क कंटिन्यू करूंगा, वही वाटर कलर वाला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब की बार नवरात्रों पे कोई भी मंदिर वगैरह नहीं जा सकते, बिकॉज मंदिर वगैरह सब बंद पड़े हैं। वाह साहिल आटा गूंथ रहा है गाइस आज, देखो घर में रहने का फायदा। और पीयूष आलू काट रहा है, देखो सबके सब घर के काम कर रहे हैं, देखो गाइस ये वीडियो बना रहे हैं। सो गाइस लॉकडाउन के टाइम पे हम तो कुछ इस तरह से रह रहे हैं, मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ, और देखो साहिल और पीयूष मम्मी का हाथ बटा रहे हैं, पूजा हो गई है, और अभी हम खाना खाएंगे, और मैं तो अपना भाई आर्ट बनाऊंगा, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पसंद आ रहे होंगे, और आप भी बताना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, और बस चलते हैं अपने रूम में। सो गाइज ये रहे मेरे दोनों वर्क्स, एक वाटर कलर से है, एक पेंसिल से है, बट दोनों सेम है, और मैंने रिजल्ट सेम पाने की कोशिश की है। तो मैं एक बार आपको टेबल पर रख के दिखाता हूँ, सब भी सामने से लाइट आ रही है, तो टेबल पर रख के अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये मैंने ग्रेफाइट से बनाया था, और अब की बार मैंने सेम वाटर कलर से बनाया, तो कमेंट करो बताना कौन सा कैसा लग रहा है। इसमें मैंने कम्प्लीट ग्रेफाइट का ही यूज़ किया था गाइज, देखो शाइन भी कर रहा है, और ये A4 साइज़ है, ये A3 साइज़ है, इससे डबल है ये,
और इसमें मैंने कलर्स का यूज़ किया है, ये ब्लैक एंड वाइट है, और टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगा दोनों को बनाने में। जितनी डिटेलिंग मैं पेंसिल में कर पाया उतनी मैं वाटर कलर में नहीं कर पाया, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वाटर कलर था जो कि मैंने इस तरह से बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक टाइप में ट्राई किया है। तो आगे और भी बनाएंगे तो और सीखते रहेंगे, और इस तरह के रिजल्ट्स हम वाटर कलर में भी कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको मेरे दोनों वर्क्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। वाटर कलर में भी मैं अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ पेशेंस के साथ में, तो हाँ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बना लूँगा, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। तो हाँ फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप पसंद आया होगा और इन्जॉय किया होगा आपने। किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।